बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड स्किल शेयरिंग में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है तो वो है कि हम एक्सेल बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जैसे आपको कुछ भी नहीं पता एक्सेल का और आप फर्स्ट टाइम एक्सेल यूज़र हैं तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे प्रोफेशनल लेवल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल का बेसिक जोन से हैं वो थोड़े हम समझ सके। आप एक्सेल में जो मैथ्स वगैरह के लिए अगर यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, डेटा पुट करना चाहें डेटा एंट्री के लिए वो कर सकते हैं। अगर आप मतलब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एक्सेल में विदाउट जो बिल्ट इन फंक्शन हैं उसके, बिल्ट इन फंक्शन के अलावा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप जब सब जो ऑपरेशंस आपने बेसिक्स ऑपरेशंस हैं वो कैसे करते हैं हम, तो मतलब बेसिक ऑपरेशन में हमारे पास आता क्या है, तो मैं आपको जस्ट यहाँ से थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो कैसे करेंगे, अब ये देखें, ये प्लस का है तो ये हमारे पास प्लस के लिए आता है, माइनस का है तो माइनस का साइन डालेंगे। अगर हमें कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो हम ये साइन डालेंगे, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। अगर हम डिवाइड के लिए करते हैं तो डिवाइड के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन चार फंक्शंस पे आज हम इसमें बिल्कुल बेसिक पे बात करेंगे कि ये कैसे होता है और ये कैसे परफॉर्म होते हैं। एक वो होगा कि हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक ये होगा कि हम फार्मूला के थ्रू, जो फार्मूला में असल में आपको मैं ये बताऊँ कि वो हमारे लिए ईजी होता है कोई भी डेटा एडिट करने में। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ आप यहाँ से सिर्फ इसको देखते जाएं और समझते जाएं, साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है, वो है 4 और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 6, ये 8 के लिए हम करते हैं, ठीक है, एडिशन के लिए 8 फंक्शन, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बल्कि यहाँ इसको हटा के यहाँ कर देते हैं, ठीक है, इसको मर्ज कर लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका टोटल चाहिए तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, इक्वल का साइन आप जो भी फार्मूले लगाएंगे आप सबसे पहले इक्वल का साइन लाजमी डालेंगे, इक्वल का साइन लाजमी है, उसके बगैर कोई भी आपका जो परफॉर्म है अपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो नहीं होगा उसके बगैर। तो कैसे करते हैं, 8 का हम यहाँ से जो 4 है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको प्लस साइंस और माइनस का और मल्टीप्लाई का बताया तो इसी तरह यहाँ पे आप प्लस का साइन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे तो इंटर करेंगे, ठीक है। अब ये C2 और B2, ये आप समझने के लिए, ये जो कॉलम्स हैं ये हमारे पास आती हैं अल्फाबेटिक्स में, ठीक है, मतलब A B C D इस तरह, ठीक है, कॉलम्स हमारे पास, ये हमारे पास कॉलम होती हैं, ये कॉलम है और ये जो सी है ये रो है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फाबेटिक मतलब वर्ड्स में आती है A B C D इस तरह, और जो रोज होती हैं वो हमारे पास नंबर में आती है, ये दो पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। जो कॉलम्स होती हैं वो नंबर्स में, वो कॉलम हमारे पास A B C मतलब वर्ड के उसमें आती है, और जो नंबरिंग में है वो रो आती हैं 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें, F2 से आप फार्मूला विजिबल कर सकते हैं कि अब यहाँ पे आपको पता नहीं है कि यहाँ पे फार्मूले लगे हुए या नहीं, तो आप जब F2 प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये फार्मूला आ गया, ठीक है, ये समझने के लिए। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये देखिए ये D2 है, ये D2 में हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है, और जो हमने ऐड किया, तो अगर ये फार्मूला हम विजिबल करें तो मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए ये B2, ठीक है, मतलब B नंबर कॉलम और 2 नंबर रो, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने इसको प्लस किया C2 के साथ, तो ये C कॉलम हो गया और रो जोन सी है वो 2, तो C2 आ गया, इंटर किया। लेकिन ये एक फंक्शन हो गया। अब हम यहाँ पे इसको इजी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर मैं आपको साथ साथ मतलब दोनों तरीके बताओ, हम यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे, सम लिखेंगे, तो ये देखें हमारे पास सम ऑटोमेटिकली आ गया। सम के बाद हम फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट, तो ये देखें यहाँ से हमें पूछ रहा है नंबर 1, तो मैं ये नंबर 1 कर लेता हूँ। उसके बाद ठीक है कॉमा लगा लें, वहां पे हमने प्लस का साइन डाला था, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन था ये सबसे बेस्ट था, तो ये एडिशन के लिए था। इसके बाद एक और वीडियो में बताऊंगा, इसके बाद हम अपलोड करूंगा, वो होगा सब्ट्रैक्ट के हवाले से,
फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की भी, वो भी उस पर भी वीडियो बनाएंगे, फिर डिवाइड पे भी, फिर फंक्शंस पे, इस तरह जो ऑपरेशन हम करेंगे, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे पहुंच सके और एक तरतीब के साथ हम ये जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है तो ये साथ साथ जारी रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।